Good afternoon. Once again, we have just completed the pattern of the discharge back letter, which would be uploaded on YouTube today itself. But apart from that, changing this particular logo if I can, so as to make sure that we do not get misunderstood with this particular logo, but I don't know how to do it swiftly. So please ignore this logo for the moment because we have just completed this pattern of discharge back letter. That's why it is here. But yes, apart from the discharge back letter itself, there can be some other occasions where letter can be this big. So look at this letter, how big it is. So jab itna bada letter aata hai, to ghabrana nahi hota. Again, maine aapko baar baar bataya, sabse pehle letter dekho kisko likhte hain. So letter kisko likhte hain? Kisko matlab, to whom? Letter ki likh rahe hain, about Rosie to community nurse ko likh rahe hain at Elizabeth City Community Health Center. To community health center ko likh rahe hain, jiska naam hai Elizabeth City. To jo Elizabeth City mein community center hai, hum unko letter likh rahe hain, health center walo ko, Rosie ke liye. Ab dekhte hain purpose kya hai, purpose. To ye community nurse kya karte hain, follow up visit for medication monitoring and management. To wo uske ghar jayegi. फॉलो अप विजिट करेगी घर जाके, देखेगी भाई मेडिकेशन ठीक से खा रहे हैं और उसको मैनेज करेगी. गाइडेंस रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एस्मा एक्शन प्लान एट द स्कूल. तो स्कूल पे बताएगी. स्पोर्टिंग क्लब्स, हम इसको अस्थमा बोलते हैं, वैसे ये एस्मा होता है. तो कई बार एग्जामिनर बोले तो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज, इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस एज एस्मा. सो गाइडेंस रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एस्मा एक्शन प्लान एट स्कूल एंड स्पोर्टिंग क्लब्स. डन. तो गाइडेंस देनी है. आर ई का मतलब हमेशा रिगार्डिंग होता है. रिगार्डिंग का मतलब अबाउट. गाइडेंस अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एस्मा एक्शन प्लान एट स्कूल एंड स्पोर्टिंग क्लब्स. यानी जब मैं सोशल हिस्ट्री उठाऊंगा तो एक तो मुझे ये बताना है कि उसकी मेडिकेशन क्यों मॉनिटर करनी है. क्या वो छोटा बच्चा है, क्या वो बड़ी लेडी है और उसको कोई अल्जाइमर टाइप डिजीज है कि वो मेडिकेशन लेना भूल जाती है. तो एक मेरे टॉपिक का क्वेश्चन ये है, मतलब ऐसे डाटा को आप छोटा करते हो कि डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आज के डाटा में क्या क्या आएगा. तो पहला क्वेश्चन आपका अपने आप से होना चाहिए, वो मेडिकेशन सेल्फ क्यों नहीं ले रही, अपने आप क्यों नहीं ले रही, उसको जाके क्यों मॉनिटर करना है. क्या वो छोटा बच्चा है, या वो भूल जाती है लेना, या वो कुछ और करती है रोजी, देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, एस्मा एक्शन प्लान स्कूल. तो स्कूल में है, यानी बच्ची तो छोटी है, स्कूल में है, मैक्सिमम प्लस टू में होगी, इससे ज्यादा तो स्कूल ऊपर होता ही नहीं. और स्पोर्टिंग क्लब, यानी ये भी बताना पड़ेगा वो स्पोर्ट्स खेलने जाती है. तो मेरा सोशल हिस्ट्री में से दो डाटा ये हो गया. थर्ड, डिस्कशन रिगार्डिंग लोअर इंपैक्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, स्विमिंग रिकमेंडेड. यानी वो कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जो बहुत ही फास्ट है, तो उसको कहना है यार ये वाली एक्टिविटी मत करो, आप प्लीज स्विमिंग वगैरह को ज्वाइन करो, ये बेटर है आपके लिए, क्योंकि ये लो एक्टिविटी है, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज है, आप हायर इम्पैक्ट एक्टिविटीज कर रहे हो. तो यानी थर्ड डाटा ये उठाना. फोर्थ, एनकरेज फादर टू स्मोक आउटसाइड. तो सोशल हिस्ट्री में ये भी बताना पड़ेगा फादर इज अ स्मोकर. ऐसे डाटा सिलेक्शन होता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अभी सीखने को मिलेगी कि लेटर को छोटा कैसे करते हैं. तीसरा, कंबोडियन इंटरप्रेटर चाहिए, क्योंकि वो कंबोडियन क्यों चाहिए, क्योंकि वो कंबोडिया से होगी. तो ये वाला डाटा भी लिखना है. यानी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखना है ये मेरे को पहले ही पता है. That is how a good student would be of OET. A good person of OET examination will know कि उसको क्या क्या डाटा लिखना है. अब इस डाटा को हम उठा लेते हैं और हम ऊपर लेके चलते हैं. तो रोजी है, सीवियर एजमा अटैक हुआ था ड्यूरिंग स्कूल नेटबॉल मैच, डायग्नोज विद एजमा 2 years ago. Asthma attacks more severe in the past 6 months. तो अगेन प्लीज आप समझो. अगेन ये मैं आपको तभी बताता हूँ कि सबसे पहले ये देखो किसको लेटर लिख रहे हो, एलिजाबेथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. तो उस नर्स को क्या क्या करना है तो कम्युनिटी नर्स को क्या क्या करना है, मेडिकेशन देनी है, तो मेडिकेशन की मैनेजमेंट करनी है, स्कूल स्पोर्टिंग एक्टिविटी, फादर कम्बोडिया. तो अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना, डायग्नोज विद एजमा 2 years अगो, बस आप ये लिख दो शी इज अ नोन केस ऑफ एजमा. 2 years अगो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 years अगो आप किसको बताओगे, आप उसको बताओगे जिसको मेडिकेशन देनी है. यानी अगर ये लेटर आप जनरल मेडिसिन के डॉक्टर को लिखते या उसके जीपी को लिखते तो आप ये बताते 2 years अगो. यहाँ पे टाइम की रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ
ये काम करने हैं, मेडिकेशन देनी है, स्कूल देना है, तो 2 years ago इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बस ये बताना है इज अ नोन केस ऑफ एज्मा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस बात से ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको कई वर्ड जरूरी लगते हैं पर वो जरूरी नहीं होते, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं जिसने फॉलो अप केयर, क्योंकि ये फॉलो अप केयर प्रोवाइड कर रही है कम्युनिटी नर्स, तो शी डजेंट नीड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कि कितने सालों से है ये वो, बस उसको ये मेन मेन इन्फॉर्मेशन दो इज अ नॉन केस ऑफ एजमा। अगर आप लिख भी देते हो उसमें भी कोई गलत नहीं है, अगर आपने ऐसा लिख दिया उसमें गलत नहीं है, पर आपके वर्ड्स ज्यादा जा रहे हैं, डायग्नोज विद एजमा 2 years ago, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये लिखा तो मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, पर वर्ड कंट्रोल करना है, एंड उसके अटैक वर्स हो रहे हैं, एंड हर अटैक्स हो रहे हैं आर गेटिंग वर्स सिंस लास्ट 6 months। जो बोल रहे हो मन में वही लिखो कि पिछले 6 महीनों में उसके अटैक्स वर्स हो रहे हैं, तो जब सिंस लगाओगे तो आप यहाँ पे हमेशा आर को हटा के हैव बीन कर दो, और अगर इज है तो हैज बीन कर दो, तो अब ये लाइन अच्छी बनती है कि वॉज डायग्नोज विद एजमा 2 years ago एंड हर अटैक्स हैव बीन गेटिंग वर्स सिंस लास्ट 6 months, दिस इज हर सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब ना प्लीज ये सब डाटा मत लिखो, फ्रीक्वेंट ब्रोंकाइटिस अटैक्स ये मत लिखो, मेडिकेशन को मॉनिटर करना है तो ये बस बता दो शी इज टेकिंग फ्यू मेडिकेशंस, वरना सिंपल लिख दो शी इज टेकिंग वेंटोलिन एंड बेकोटाइड, मतलब इसकी डोसेज मत लिखो, अगर लिख भी दी कोई बात नहीं, लेकिन डाटा हमें कहीं से तो बचाना पड़ेगा ना, डाटा बचाने की बात कर रहे हैं। अब अगेन अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे लिखूं कि इनमें से क्या क्या उठाना है मुझे, तो ये मेरा दिमाग में हमेशा रहता है डिस्चार्ज प्लान, तो डिस्चार्ज प्लान हमेशा मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या क्या करना है मेडिकेशन सेल्फ, तो अब इसमें से देखते हैं क्या क्या उठाना पड़ेगा। लिव्स विद पेरेंट्स, 2 younger siblings, अटेंड साउथ नई, एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर, तो ये उठाना पड़ेगा क्योंकि उसको बोलना है कि भाई तुम लो स्पोर्ट एक्टिविटीज करो, डज नॉट ऑलवेज टेक मेडिकेशन टू स्कूल, सेकेंड पॉइंट ये है, इसलिए उसको एनकरेज करना है, मोनिटर करना है। पेरेंट्स हैव पुअर लेवल ऑफ इंग्लिश, डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ एजमा, तो इसलिए कंबोडियन इंटरप्रेटर चाहिए होगा, माइग्रेटेड फॉर कंबोडिया ये चाहिए होगा, बाकी कुछ मत लिखो। फादर स्मोक करता है, वन हैव अ पैक ए डे, ये लिखना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू सिलेक्ट यूर डाटा। नो अदर इमीडिएट फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हो, मर्जी है, लेकिन अगर डाटा बहुत ज्यादा जा रहा है तो अवॉइड इट, प्लीज डो नॉट राइट इट, इग्नोर। दैट इज हाउ यू सिलेक्ट डाटा, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज योर डिस्चार्ज प्लान दैट मेक्स योर लाइफ ईजी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, Day 1। अब प्लीज समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां से डाटा कम होता है, कि जिसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सिर्फ इतनी, एक मिनट, जिसको सिर्फ ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो इतनी बड़ी ट्रीटमेंट को जान के क्या करेगा, बस ये बताओ, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या सिर्फ ऑन द डे ऑफ एडमिशन, यानी कि यस्टरडे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही है तो आप यस्टरडे भी कर सकते हो, बेटर है यस्टरडे लिखो, यहीं से तो एग्जामिनर को पता लगता है आप कितने स्मार्ट हो, सिर्फ देखो 2 दिन का डाटा दिया है, यानी ये यस्टरडे की बात है, यस्टरडे शी वाज एडमिटेड, प्लीज समझो विद सिवियर डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, बस इतना सा लिखो, अब बाकी बातें मत लिखो, इन ब्रीदिंग क्यों, एज यही यहाँ पे छोटी सी लाइन वो पीछे वाली कनेक्ट कर दो, एज शी हैड सिवियर एजमा अटैक। अब इस ट्रीटमेंट को प्लीज ओवर एक्सप्लेन मत करो, जो मेन चीज है वो बताओ, सो ऑक्सीजन वॉज गिवन, सो टू वॉज गिवन, फिर उसके बाद क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर ये वो, ब्लड टेस्ट ये वो, कुछ जरूरत नहीं है, फिर टुडे मेडिकेशंस हैव बीन रिड्यूस्ड और टू मास्क, यहाँ वाया मास्क विच हैज बीन, आज टुडे में आ गया हैज बीन रिमूव्ड टुडे एज हर कंडीशन इज बेटर, बस खत्म हो गया, सारा टॉपिक खत्म हो चुका है इस छोटी सी बात में, क्योंकि उसका ऑटोमेट बस, उसके अलावा क्या कहा है, रिमूव्ड की जगह डिसकंटिन्यूड कर दो, तो वो बेटर होगी ना, अब क्या करेगी ऑक्सीजन का, तो ये डाटा आपका बिल्कुल, ये देखो विजिट्स कितनी, यस्टरडे शी वाज एडमिटेड सिवियर एज शी हैड सिवियर एजमेंट, सो ओ2 वाज गिवन वाया मास्क व्हिच हैज बीन डिसकंटिन्यूड टुडे एज हर कंडीशन इज बेटर, सब कुछ आ गया, सब कुछ सब कुछ,
एज माई एक्शन प्लान एजुकेशन फॉर रोजी एंड मदर विद ट्रांसलेटर सपोर्ट इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एज माई एक्शन प्लान, ज्यादा से ज्यादा ये लिख दो, ऑल्सो एजुकेशन रिगार्डिंग जो भी दे रखा है, रिगार्डिंग एज माई एक्शन प्लान हैज बिन गिवन, प्रेजेंट में आ चुके हैं, पास्ट में लिखने का फायदा नहीं है, टूडे चल रहा हैज बिन गिवन, नहीं तो वॉज गिवन लिखते, बस प्रेजेंट चल रहा है इसलिए हमने लिखा हैज बिन गिवन, एज माई हैज बिन गिवन टू द पेशेंट एंड हर मदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, पूरा ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ इतने से वर्ड से खत्म हो गया, दैट्स इट। अब आता है डिस्चार्ज प्लान, डिस्चार्ज प्लान तो आपको पता ही है लास्ट पैराग्राफ, अब यहीं से उठाओ और लिखते जाओ, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर हर मेडिकेशंस एंड मैनेज, इफ यू कुड मॉनिटर एंड मैनेज हर मेडिकेशंस, ठीक है, और नहीं तो पहले वर्ड लिख सकते इफ यू कुड पे अ फॉलो अप विजिट, जो वहां पे दिया है फॉलो अप विजिट टू मॉनिटर हर मेडिकेशंस, टू मॉनिटर एंड मैनेज हर मेडिकेशंस, उसके बाद फुल स्टॉप, ऑल्सो यूज कर चुके हैं बार बार तो अलोंग विद दिस कर देते हैं, नहीं तो ऑल्सो भी कर सकते थे अलोंग विद दिस, सिंपल। स्कूल सपोर्टिंग में क्या था, गाइडेंस रिगार्डिंग एज माई एक्शन प्लान, बस यहाँ पे गाइडेंस को दिया जाता है, गाइडेंस रिगार्डिंग दिस, बाकी सारी लाइन सेम, गाइडेंस रिगार्डिंग दिस शुड बी गिवन, खत्म। डिस्कशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज शुड बी गिवन की जगह डिस्कशन कंडक्टेड की जाती है, कंडक्टेड, खत्म। उसके बाद है कि एनकरेज, तो बार बार शुड बी आ रहा है तो एक बार चेंज करके लिख दो, शी नीड्स टू बी एनकरेज, शुड की जगह शी नीड्स टू बी एनकरेज फॉर लोअर इम्पैक्ट एक्टिविटीज सच एज दिस, फिर लास्ट में लिख दो ऑल्सो अ कंबोडियन इंटरप्रेटर should be arranged as is strongly advised, बस कंबोडियन इंटरप्रेटर अटेंडेड एट दिस मीटिंग, बस इज लगा दो, इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज, खत्म। एंड प्लीज एनकरेज फादर टू स्मोक आउटसाइड, पूरा लेटर खत्म हो गया। सो दैट इज वट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ सिंपल इट इज, सो यू डोंट हैव टू मेक इट डिफिकल्ट, please make it easier for yourself and for the examiner, please make it as easy as you can, please listen to this recording again and again, this will help you how to decrease the data. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, our contact number is +91 76 967 34256, thank you.